वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपने इमरान को गायब देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, इमरान कहीं नहीं गए। हम कोविड के हवाले से ऑन एंड ऑफ एक्सप्रेसो में आपको अवेयरनेस देते रहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हो चाहे उससे रिलेटेड एसओपीज हो, हम आपको बताते रहते हैं। अभी मैं आपके साथ लेटेस्ट फिगर्स शेयर कर लेती हूँ। जो कन्फर्म्ड केसेस हैं वो अब तक है 4,77,240, जबकि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 37,080 एक्टिव केसेस हैं, और लास्ट 24 आवर्स में जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 2,155 रिपोर्ट हुए हैं। डेथ टोल की बात कीजिए तो लास्ट 24 आवर्स में 55 के करीब डेथ रिपोर्ट हुई है। कोरोना के हवाले से जो वैक्सीन की एक अपडेट है, हम ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते रहते हैं और प्रोग्राम में आगे जाके भी मैं आपको वैक्सीन के हवाले से बताएंगे, और जो नई किस्म कोरोना की पाकिस्तान में आई है उस हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन वैक्सीन के हवाले से क्या अपडेट्स है, इमरान हसन ने एक स्पेशल रिपोर्ट है उस पर आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन की क्या अपडेट्स हैं। सो ओवर टू यू इमरान। कोरोना वायरस कई जाने निकल चुका है और दुनिया भर में इससे 7 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इस मौलिक वायरस से पूरी दुनिया की मईशत तबाही के दहाने पर आ पहुंची है। दुनिया के बेशतर ममालिक की बात करें तो उन्होंने इस वायरस से निपटने के लिए काम शुरू किया, और अब ये कहा जा रहा है कि अमरीका, बरतानिया, चीन और रूस ने इस मर्ज का नुस्खा तैयार कर लिया है। लेकिन सबसे पहले इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के इश्तराक से बनी वैक्सीन को मिली है। इसके बाकायदा इस्तेमाल का आगाज रवां हफ्ते बरतानिया में कर दिया गया है। अमेरिका दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जहां कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। अमेरिका में भी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जा चुका है। बात करें इसके साथ साथ हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडिश कंपनी ऑस्ट्राजेनेका के इश्तराक से बनाई गई एक वैक्सीन की, तो वो जल्द मंजर आम पर आने वाली है, और इसकी कीमत फाइजर और मोडर्ना के मुकाबले में इंतहाई कम है। और मजीद इसके बारे में आपको बताएं तो हैरान कुन बात यह है कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री यानी कि फ्रिज के टेम्परेचर पर भी स्टोर किया जा सकता है। वैक्सीन की तैयारी को लेकर चीनी कंपनी ने भी लाखों खुराकें तैयार कर ली हैं, और 5 चीनी वैक्सीन अपने ट्रायल्स के 3 मराहिल पूरे कर चुकी हैं। इसके साथ साथ खबरें ये भी मंजरे आम पर आ रही हैं कि रूस ने भी अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है, और रूसी वजीर सेहत के मुताबिक 1 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है। मगर हम बात करें फाइजर वैक्सीन की, जो बाकायदा लोगों को लगाई जाने लगी है, तो बरतानिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मजीद आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें इस वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के इश्तराक से बनी है, और ये वैक्सीन बीमारी से तहफ्फुज के लिए 95% से ज्यादा मुअस्सर है। इसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है, और इस वैक्सीन के एक फर्द को 21 रोज के दौरान 2 डोजेस इस्तेमाल कराए जाएंगे। इस कंपनी की 80% सप्लाई पहले ही अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और जापान ने खरीद ली है। ये वैक्सीन अपनी नौयत की पहली वैक्सीन है जो जिसमें कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन के जेनेटिक कोड को इस्तेमाल करती है, जिससे एक मस्नूई आरएनए पैदा होता है, और यही जेनेटिक हमारे मुदाफती निजाम को जगाता है और निजाम में इसके खिलाफ मदाफियत पैदा करता है। फाइजर वैक्सीन का तकरीबन 43,000 अफराद पर ट्रायल किया गया है, जिसमें 8,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं। इन अफराद में थकावट, सर दर्द और बुखार शामिल हैं। ये सवाल अब मौजूद है यहाँ पर कि क्या अमरीकी कंपनी और जर्मन कंपनी इसका कोई सद्देबाब कर पाएगी, और क्या ये साइड इफेक्ट्स कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है।